मैं तेजस्वी यहाँ पे दूसरे खेल में, एक्चुअली मैं तेजस्वी का अपना एक रिकॉर्ड रहा है तो इनके परिवार का रहा, एक कहावत एक वो होती आदतन अपराधी, मगर ये लोग शरारतन अपराधी हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पे घपला कर लेंगे, पैसे ले लेंगे और 2024 के चुनाव में तो वही पैसे का उपयोग करके ये उसमें बदलाव करेंगे सत्ता हासिल करने की। ऐसा अब होने वाला नहीं, चूँकि लालू आउटडेटेड हो गए हैं, ये भी आउटडेटेड हो गए। दूसरी बात, ये लोग झूठों के सरताज हैं। आपको बता रहे हैं वहाँ पे शराब जो बंदी है, मगर वहीं पे सत्ता के लोग जो हैं वो शराब बिकवा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो वहाँ की पब्लिक का कहना, जो शराब माफिया हैं जिन चिन्हित हो गए हैं, उनके घर बुलडोजर से गिरा दो। तो तेजस्वी इसलिए कह रहा है कि बुलडोजर कोई नौकरी नहीं दे देगा, बुलडोजर कोई वो नहीं दे देगा, तो इसलिए परेशान होके कह रहे हैं। अच्छा, नौकरी की बात है, इन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में नौकरी नहीं दी है। इनके पिताजी के ऊपर चारा घोटाले का बाकायदे सजा याफ्ता है, इसमें कोई इब्बत नहीं है। ये भी जो है नौकरी देने के बहाने लोगों की ज़मीनें हड़प ली, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये बात सब लोग कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहा जा रहा, कोर्ट कह रही है और बंगाल की कोर्ट कह रही, ये सब लोग मान रहे हैं। इन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाना पड़ेगा, पूरे देश में बुलडोजर की बात हो रही है और योगी की डिमांड हो रही, बिहार में योगी की जबरदस्त डिमांड हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका SDV न्यूज पर, मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सियासत चल रही है, इन सब के बीच बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने अब योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट किया और ये कहा कि मंदिर मस्जिद और बुलडोजर से नौकरी नहीं मिलती। तो उत्तर प्रदेश में नौकरी को लेकर हमला योगी आदित्यनाथ पर बोला गया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन चूंकि डिप्टी CM हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि यूपी के जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो बिहार में नौकरी के लिए आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल वहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि मंदिर मस्जिद या बुलडोजर से नौकरी नहीं मिलती, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी यहाँ पर दूसरे खेल में, एक्चुअली में तेजस्वी का अपना एक रिकॉर्ड रहा है तो इनके परिवार का रहा, एक कहावत एक वो होती आदतन अपराधी, मगर ये लोग शरारतन अपराधी हैं। इनके पिताजी के ऊपर चारा घोटाले का बाकायदे सजा याफ्ता है, इसमें कोई इब्बत नहीं है। ये भी जो है नौकरी देने के बहाने लोगों की ज़मीनें हड़प ली, इनका यही इनके पिताजी का रहा। दोनों के ऊपर जाँचें चल रही हैं, जाँच नीतीश कुमार ने ही स्वयं कराई थी और सारे पेपर नीतीश कुमार ने ही, ये उन्हीं के साथ हैं आजकल, चूँकि मिल बांट करके खा रहे हैं। अब ये क्या है कि इन्होंने शिक्षकों की जो जगह निकाली है उसमें कोई समझ नहीं पा रहा, ये बहुत बड़े पैमाने पे घपला कर लेंगे, पैसे ले लेंगे और 2024 के चुनाव में तो वही पैसे का उपयोग करके ये उसमें बदलाव करेंगे सत्ता हासिल करने की। ऐसा अब होने वाला नहीं, चूँकि लालू आउटडेटेड हो गए हैं, ये भी आउटडेटेड हो गए। दूसरी बात, ये लोग झूठों के सरताज हैं। आप देखिए कि ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, वहाँ पे मैरिन ड्राइव पे घूम रहे हैं, गंगा पथ पे पटना पे, और लोगों से मजाक कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए ऐसे कर रहे हैं, शादी के लिए कह रहे हैं ज़बरदस्ती। जबकि यही लालू यादव, इनका जो दूसरा लड़का है तेजू तेजस्वी, तो दूसरे लड़के की जो बीवी है वो उसको उसने छोड़ दिया और लालू ने छोड़वा दिया, उसके लिए शादी की इनकी चिंता नहीं है लालू को, और उसकी राहुल गांधी की चिंता है। दूसरा, इन्होंने जो, लेकिन यहाँ पर हम बात जो है वो योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं, हम बुलडोजर पर जो बौखलाए हुए हैं तेजस्वी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी की आखिर बौखलाहट बुलडोजर एक्शन से, क्या वो डरे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ उनसे आगे निकल गए हैं एक्शन में, कानून व्यवस्था संभालने में, तो क्या इसकी बौखलाहट है? देखिए, ऐसा है कि बिहार में कहीं कुछ हो रहा है तो पब्लिक वहाँ बुलडोजर की डिमांड कर रही है। अभी बिहार में दंगा हुआ, काफ़ी लोग मारे गए हिंदू मुस्लिम, वहाँ भी पब्लिक ने यही कहा था कि एक तरफा से बुलडोजर चले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो भी हिंसा में शामिल रहें तो उनका, कई माफियाओं का। आपको बता रहे हैं वहाँ पर शराब जो बंदी है, मगर वहीं पर सत्ता के लोग जो हैं वो शराब बिकवा रहे हैं,
लोग मर रहे हैं, तो वहाँ की पब्लिक का कहना जो शराब माफिया हैं जिन चिन्हित हो गए हैं उनके घर बुलडोजर से गिरा दूँ। बंगाल में भी कोर्ट ने खुद कहा कि क्या बुलडोजर मंगाना पड़ेगा, नहीं तो किराए पे ले लो लालू उनसे, योगी से। अब वहाँ पे बुलडोजर की हर जगह डिमांड हो रही। अभी वहाँ कई हत्याएं हुई, पत्रकारों की हत्या हुई, तो जो हत्यारे लोग हैं उनके ऊपर भया। तो वहाँ की पब्लिक का कहना एक ही सज़ा है, चूँकि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं, अपराधी छूट जाता है, अपराधी छूट जाता। हकीकत है बिहार में अपराधियों के काउंटर नहीं होते, अपराधी खुद ही लोगों को मार रहे हैं, जबकि काउंटर एक अपराधी के लिए छोटी सजा है ताकि छूट ना जाए इसलिए। तो वहाँ की पब्लिक का कहना जो अपराधी लोग हैं इनके बुलडोजर से गिरा दी जाए। अब इसमें ये बहुत परेशान है, तो तेजस्वी इसलिए कह रहा है कि बुलडोजर कोई नौकरी नहीं दे देगा, बुलडोजर कोई वो नहीं दे देगा, तो इसलिए परेशान होके कह रहे हैं। अच्छा, नौकरी की बात है, इन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में नौकरी नहीं दी है। बिहार का आदमी पूरे देश में पूरे दुनिया में जाके मजदूरी कर रहा है। लालू का इतने दिन तक शासन रहा, नीतीश का शासन रहा, ये चाय लेते अपने यहाँ बड़ी इंडस्ट्रियाँ कर देते, बड़े उद्योग लगा देते। सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार है वहाँ पे, वहाँ का लड़का जो है वो बाहर जा कर के, बाप समझ लीजिए कि मजदूरी से ले कर के, और बिहार का इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो पूरे दुनिया में छाया हुआ है, मगर लालू के समय एजुकेशन का भी स्तर गिरा। ये भी तो ये इसलिए कह रहे हैं कि इनको कमाई का जरिया बढ़े, और बुलडोजर के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि बुलडोजर की बात इनकी। दूसरा ये एक चीज़ कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से नौकरी नहीं मिल जाएगी, तो राम मंदिर के लिए बिहार का सबसे ज़्यादा त्याग रहा राम मंदिर बनाने में, और राम मंदिर अगर बन रहा है तो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। लालू एक्चुअली में है क्या कि लालू शुरू से राम मंदिर के विरोधी रहे। जब अडवाणी रथ लेके निकले थे तो लालू ने रथ रोक दिया था और लालू ने राम मंदिर बनने नहीं दिया था, तो उनकी बड नेचुरल है कि वो व्यक्ति लालू जिसने राम मंदिर बनने नहीं दिया, सबको जाल डाल दिया, रथ रोक दिया, तो वो उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, और लालू के लिए बहुत शर्म की बात है, उनको जलालत महसूस हो रही, जिसको हमने पनपने नहीं दिया वही राम मंदिर बन रहा है। तीसरी आपको बता रहे, चलिए ठीक है, परंतु इन्होंने खुद अपने घर पे अभी ताजिया रखी थी मोहर्रम में, अच्छी बात है, यहाँ हिंदू मुस्लिम अपने घर पे ताजिया रखी, बाकायदे उसका छठा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा, छः मोहर्रम, सात मोहर्रम, आठ मोहर्रम और दस मोहर्रम को बाकायदे इन्होंने, और आठ मोहर्रम को बाहर आयोजन किया, सब जगह किया, और ग्यारह मोहर्रम को बाकायदे ताजिया ठंडा करने के लिए अपने घर से निकाला। उसमें लालू भी और ये भी लगे रहे, क्या घर के अंदर आप कर रहे हैं, कतई बुरा नहीं, मगर यहाँ पर भी क्या रोज़गार है, यहाँ पर क्या आपने किसी को रोज़गार दे दिया? तो देखिए, सभी मजहब जो हैं सभी समान, सिर्फ वोट के लिए, माई समीकरण के लिए, सिर्फ मुस्लिम वोटों को खुश करने के लिए राम मंदिर के लिए कह रहे हैं, जबकि इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। मंदिर मस्जिद किसी को रोज़गार नहीं देते, मगर जीने की कला देते हैं, और मंदिर मस्जिद जो हैं अगर ये ना हो, एक ईमान कायम करते हैं, और अगर ये सब ना हो तो आदमी आदमी को खा जाएगा, ये लालू को, मगर लालू के तुष्टिकरण के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधना, तुलना एक तरीके से जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं और यूपी में नौकरी नहीं मिल रही है, हम जो है वहाँ पर अपने अभ्यर्थियों को भी नौकरी दे रहे हैं और पड़ोसी राज्य के अभ्यर्थियों को भी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन हमने ये तस्वीर भी देखी है जब बिहार में ही शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गई हैं, लेकिन उसका जिक्र तेजस्वी यादव नहीं करते हैं, वो उत्तर प्रदेश पर सवाल खड़े करते हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े करते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जिनके शासनकाल में वहाँ माफियाओं से लेकर जो तमाम अपराधी हैं उनके हाथ पाँव फूले हुए हैं, खुद जाकर वो सरेंडर कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये बात सब लोग कह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहा जा रहा, कोर्ट कह रही है और बंगाल की कोर्ट कह रही, ये सब लोग मान रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाना पड़ेगा, पूरे देश में बुलडोजर की बात हो रही है और योगी की डिमांड हो रही, बिहार में योगी की जबरदस्त डिमांड हुई कि अब की बार बुलडोजर बाबा को लाओ, तो ये घबरा रहे हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं क्या है कि ये कह रहे हैं कि समस्तीपुर में अभी देखिए फायरिंग हो रही है, समस्तीपुर में फायरिंग, वहाँ के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या किया है कि काफ़ी लोगों से फिर ज़मीन लिखवाई जा रही,
अब यूपी के बाहर लिखाई जा रही दिल्ली वगैरह, और इन टीचरों को जो जगह दी जा रही उसके अगेंस्ट में पैसे, ज़मीन, ये सब हथियार लेंगे और ये इनका व्यापार हो गया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इनका क्या है, अभी CBI से एक लालू की डेट थी सुप्रीम कोर्ट में, ये जमानत पे थे, बैडमिंटन खेल रहे हैं, सब खा रहे हैं, उसमें नेक्स्ट डेट भी 17 अक्टूबर पड़ी हुई है। तो यानी वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि खुद जेल बेल खेल में है लेकिन दूसरों पर हमलावर हैं, उन राज्यों पर हमलावर हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने बुलडोजर एक्शन के लिए अब देश भर में मशहूर हो चुके हैं, तमाम राज्य उनके बुलडोजर एक्शन को कहीं ना कहीं अपना रहे हैं। लेकिन तेजस्वी, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, हालांकि बिहार के डिप्टी CM हैं, उनके शासन में बिहार में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पर शिक्षकों के साथ मारपीट हो रही है, वहां पर दिन दहाड़े पत्रकारों की हत्या हो रही है, उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए इस तरीके से मंदिर, मस्जिद और बुलडोजर को लेकर सवाल उठाना कतई सही नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।